नमस्कार, हम लोग बात करने वाले हैं सिस्टिक डक्ट के बारे में। सिस्टिक डक्ट क्या होता है? तो सिस्टिक डक्ट ए पार्ट ऑफ बिलरी एपरेटस या ए पार्ट ऑफ एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलरी एपरेटस। तो जैसा कि जानते हैं, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलरी एपरेटस या बिलरी एपरेटस है। तो यहाँ पर जो बाइल का फॉर्मेशन कहाँ होता है? लीवर में होता है। लीवर में बाइल का फॉर्मेशन होने के बाद ये राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक डक्ट के थ्रू कहाँ पर आता है? डाउनवर्ड आएगा, अर्थात ये कॉमन हेपेटिक डक्ट में आएगा। कॉमन हेपेटिक डक्ट से होते हुए कहाँ पर जाएगा? ये सिस्टिक डक्ट के थ्रू होते हुए कॉमन हेपेटिक डक्ट से कहाँ जाएगा? सिस्टिक डक्ट से होते हुए गाल ब्लैडर में आएगा। गाल ब्लैडर में जो बाइल है कंसंट्रेट होगा, और कंसंट्रेट होने के पश्चात ये कहाँ पर रिटर्न हो जाएगा? पुनः सिस्टिक डक्ट से होते हुए ये कॉमन हेपेटिक डक्ट से मिल जाएगा, और कहीं ना कहीं उसके बाद कंटिन्यू स्ट्रक्चर बनेगा बाइल डक्ट। बाइल जो होता है ड्यूडनम के सेकेंड पार्ट में ओपन होगा, वहाँ पर प्रॉपर डाइजेशन शुरू होगा। तो ये कहानी है आपके सिस्टिक डक्ट की। तो आइए सिस्टिक डक्ट पे प्रॉपर बात कर लेते हैं। तो देख रहे होंगे सिस्टिक डक्ट क्या है, ए पार्ट ऑफ बिलरी अपरेटस। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये स्ट्रक्चर्स बहुत ही शॉर्ट बनाया है। तो यहाँ पर देख रहे हैं बाइल डक्ट है, ये कॉमन हेपेटिक डक्ट है। कॉमन हेपेटिक डक्ट से ही जब बाइल होता है ये आएगा आपका सिस्टिक डक्ट के थ्रू, कहाँ पर आएगा? गाल ब्लैडर में आएगा। गाल ब्लैडर में कंसंट्रेट होगा, कंसंट्रेट होने के बाद रिटर्न हो जाएगा पुनः आपके बाइल डक्ट से होते हुए कहीं ना कहीं सेकेंड पार्ट ऑफ ड्यूडनम में जाके ओपन होगा, जहाँ पर प्रॉपर डाइजेशन शुरू हो जाता है। तो ये देखेंगे, इसके बारे में कुछ स्ट्रक्चर्स है देखेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कि जो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो स्ट्रक्चर्स है दैट इज कॉल्ड सिस्टिक डक्ट। तो इसकी लेंथ कितनी होती है? लेंथ कितनी है? 3 से 4 सेंटीमीटर लंबी होती है सिस्टिक डक्ट। और कहाँ से शुरुआत हो रही है? तो शुरुआत देख रहे होंगे बिगिंस एट द नेक ऑफ गाल ब्लैडर। तो यहाँ पर गाल ब्लैडर का जीबी, ये जीबी है, मतलब गाल ब्लैडर है, इसका नेक है, ये इसका क्या है? नेक है, गाल ब्लैडर का नेक है। तो बिगिंस एट द नेक ऑफ गाल ब्लैडर एंड एंड्स, कहाँ पर एंड हो रहा है? तो ये जो स्ट्रक्चर्स क्या है, ये है आपका कॉमन हेपेटिक डक्ट। तो किस में जाके एंड हो रहा है? एंड्स बाय ज्वाइनिंग। किस में मिलकर एंड हो रहा है? बाय ज्वाइनिंग कॉमन हेपेटिक डक्ट। तो कॉमन हेपेटिक डक्ट में मिलकर ये खत्म हो जा रही है। तो उसके बाद देखेंगे द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द, अब इसका मतलब कि इसकी खासियत क्या है? द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द सिस्टिक डक्ट फॉर्म ए सीरीज ऑफ 5 to 12 क्रिसेंट्रिक फोल्ड्स अरेंज स्पेशली टू फॉर्म सो कॉल्ड स्पायरल वाल्व ऑफ हिस्टर। तो इसके इसको पढ़ाने का हमारा सिर्फ एक ही मकसद था कि आपको ये जो स्पायरल वाल्व ऑफ हिस्टर या सिंपली वाल्व ऑफ हिस्टर, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है शॉर्ट नोट में, या मान लीजिए एमसीक्यू में पूछा जाता है, तो ये आपको याद रहे। तो स्पायरल वाल्व ऑफ हिस्टर या सिंपली वाल्व ऑफ हिस्टर कहाँ पर पाया जाता है? सिस्टिक डक्ट में। ये होता क्या है? क्रिसेंट्रिक फोल्ड होता है, जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है अंदर साइड में, ये है क्रिसेंट्रिक फोल्ड, और ये 5 to 12 होती है, जो कि दिस इज नॉट ए ट्रू वाल्व। पूछा जाता है कि जो वाल्व ऑफ हिस्टर ट्रू वाल्व है कि फॉल्स वाल्व है, तो ये फॉल्स वाल्व है। तो ये कुछ आपके इम्पोर्टेंस थे सिस्टिक डक्ट के बारे में। धन्यवाद।